हारते बहुत हैं यार ये लोग। इस बार उनकी हार। तो दोस्तों आज से 19 अगस्त और आज फाइनली अक्षय कुमार स्टारर मास अवॉर्डेड बॉलीवुड मूवी बेलबुटम थिएटरों पे वर्ल्ड वाइडली रिलीज हुई है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे बेलबुटम मूवी ने रिलीज के पहले दिन यानी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे कितने करोड़ की कलेक्शन करने लगे हैं। साथ ही साथ ये मूवी यानी बेलबुटम मूवी रिलीज के पहले दिन यानी आज टोटली वर्ल्ड वाइडली कितने करोड़ की कलेक्शन करने लगे हैं। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं बेलबुटम अक्षय कुमार की ये मूवी इस हालत पे भी रिलीज हुई है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। नॉर्थ इंडिया के अंदर कुछ सिलेक्टेड थिएटर ही ओपन हो चुके हैं और आपको ये भी जानने होंगे कि नाइट वाले शो अवेलेबल नहीं होंगे, सिर्फ मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग शोज ही चलाए जाएंगे। बेलबुटम जो कि स्पाई एजेंट एक्शन एंटरटेनर मूवी है, इस मूवी को रंजित एम तिवारी जी ने डायरेक्शन दी है जबकि इस मूवी को प्रोड्यूस किया है बशु बगनानी और जेके बगनानी ने मिलके। कास्टिंग रोल की बात की जाए तो दोस्तों इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार सर के अलावा भी बनी कपूर, लारा दत्ता, हुमा कुरैशी, डेंजिल स्मिथ और ऐसे ही बहुत सारे कलाकार इस मूवी के अंदर हम स्टार कास्ट पे देखने को मिले हैं। बेलबुटम इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 70 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही जो प्री रिलीज बिजनेस किया है वो आपको जानने चाहिए और आप हैरान रह जाओगे। बताना चाहूंगा दोस्तों बेलबुटम मूवी के डिजिटल राइट्स को यानी मूवी को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स को पूरे 75 करोड़ रुपए में बिका गया है, जिसे खरीदे हैं Amazon प्राइम वीडियो OTT प्लेटफॉर्म ने। और इस मूवी के सैटेलाइट राइट्स को यानी मूवी को टीवी पे दिखाने के राइट्स बिके हैं पूरे 30 करोड़ रुपए में। और इस मूवी के ऑडियो राइट्स यानी म्यूजिक राइट्स बिके हैं पूरे 5 करोड़ रुपए में। यानी अक्षय कुमार की ये मूवी रिलीज होने से पहले ही मूवी के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेच के पूरे 110 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। अब बात करें स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों बेलबुटम मूवी को बहुत ही कम स्क्रीन के साथ इंडिया में रिलीज की गई है। बताना चाहूंगा दोस्तों इस मूवी को इंडिया के अंदर पूरे 800 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर इस मूवी को 250 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। यानी बेलबुटम इस मूवी को टोटली वर्ल्ड वाइडली पूरे 1050 स्क्रीन के साथ वर्ल्ड वाइडली रिलीज किया गया है। दोस्तों कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों बेलबुटम मूवी ने आज मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्युपेंसी पूरे 45% हाउसफुल देखने को मिले ऑडियंस, और रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार आफ्टरनून शोज के ऑक्युपेंसी पूरे 55% ऑक्युपेंसी हाउसफुल रहेगी और इवनिंग शोज के रिपोर्ट नहीं आया हुआ है और नाइट वाले शोज तो नहीं चलेंगे जैसे कि पहले ही बताया है। तो दोस्तों अभी के रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार बेलबुटम मूवी रिलीज के पहले दिन यानी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे ग्रॉस कलेक्शन करने लगे है पूरे 6 करोड़ रुपए। वही दोस्तों रिलीज के पहले दिन ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन आने लगे हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहाँ पे बेलबुटम मूवी ने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे ग्रॉस कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 6 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने रिलीज के पहले दिन ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। यानी बेलबुटम मूवी रिलीज के पहले दिन टोटली वर्ल्ड वाइडली ग्रोस कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 7 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों यही है बेलबुटम मूवी के रिलीज के पहले दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो कि होने लगे हैं पूरे 7 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है आगे के अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय दोस्तों।